भगवान राम का उज्जैन और महाकाल से गहरा नाता रहा है। 14 वर्ष के वनवास के दौरान न केवल वे यहाँ आए बल्कि यहाँ रामघाट पर शिप्रा में अपने पिता दशरथ का पिंड दान किया था। वहीं माता सीता ने वनवास के दौरान के कष्टों के निवारण के लिए उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध चिंतामन गणेश मंदिर सहित षड्विनायक मंदिरों की स्थापना की थी। ऐसे में जब अयोध्या में भगवान राम के भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा हो और उज्जैन का जिक्र न हो, ये संभव नहीं है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचकर भव्य और दिव्य राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन कर शिलान्यास करेंगे। ऐसे में उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर की भस्म, पवित्र कोटि तीर्थ कुंड और पुण्य सलिला शिप्रा नदी का जल सोमवार को अयोध्या रवाना किया गया। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री नंददास, विभाग मंत्री महेश तिवारी, बजरंग दल के जिला संयोजक अंकित चौबे ने विहिप की एक टीम को भगवान महाकाल की भस्म, उज्जैन की पवित्र माटी और शिप्रा और कोटि तीर्थ कुंड का जल लेकर अयोध्या रवाना किया गया। इससे पहले महाकाल स्थित महानिर्वाणी अखाड़े के गादीपति विनीत गिरी महाराज ने जल विहिप के दल को शुभकामनाएं दी और भगवान महाकाल की भस्म और जल देकर रवाना किया। उनके मुताबिक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में जिस राम मंदिर के निर्माण का इंतजार करते करते हमारी सैकड़ों पीढ़ियां तिरोहित हो गई, उसी अयोध्या में भगवान राम के भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण होना हमारी पीढ़ी के लिए गौरव की बात है। यहां आपको बता दें कि 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर के शिलान्यास और भूमि पूजन के लिए सभी 12 ज्योतिर्लिंगों और सप्तपुरियों की मिट्टी, पवित्र नदियों और संगम का जल मंगवाया गया है जो राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन में नींव में डाला जाएगा। उज्जैन के लिए क्या सौभाग्य है कि उज्जैन में न केवल प्रमुख ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर विद्यमान है बल्कि गंगा से ही पवित्र उत्तरवाहिनी शिप्रा नदी बहती है। वही सप्तपुरियों में भी उज्जैन शामिल है। इसके अतिरिक्त कोटि तीर्थ कुंड महाकाल परिसर में स्थित है जिसका जल सभी पवित्र नदियों से भी अधिक पवित्र माना जाता है। ऐसे में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन में उज्जैन से भगवान महाकाल की भस्म के अलावा यहाँ की मिट्टी, शिप्रा और कोटि तीर्थ का जल पहुँचाया गया है। सभी दर्शकों को, सभी सनातन धर्मियों को जय जय श्री राम। इस बाबा महाकाल के पावन दरबार में आज बहुत ही अद्भुत क्षण है। मेरा रोम रोम खड़ा हो रहा है, मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूँ, शब्द नहीं है मेरे पास। आज वो पावन अवसर आया है जिसमें कई सारी पीढ़ियां, कई सारे हमारे पूर्वज जिन्होंने बलिदान किया, तपस्या की भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण के लिए, आज इस पीढ़ी को वो गौरव का विषय है, वो गौरव का क्षण आया है कि आज भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण की वो जो पद्धति भूमि पूजन की होती है वो हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा संपन्न होने जा रही है। और उसी के को ध्यान में रखते हुए हमारे बहुत सारे संतों ने एक निर्णय लिया था, सभी संतों का मत था, हमारे विश्व हिंदू परिषद के माननीय वरिष्ठ अधिकारियों ने निर्णय लिया था कि हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग से माटी आएगी और सप्तपुरियों से माटी आएगी और सभी पवित्र नदियों का जल आएगा, सभी संगम का जल और वहाँ की माटी आएगी। और उसी क्रम में बाबा महाकाल को जो सबसे अधिक प्रिय है, बाबा महाकाल की भस्म, वो भी जाएगी और वो भूमि पूजन में न्यू के पास में रखी जाएगी और उसके ऊपर आधारशिला टिकी जाएगी। निश्चित रूप से एक बहुत सुंदर संयोग है। अगर हम शास्त्र की बात करें तो हमारे यहाँ रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है और रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का अगर भावार्थ हम करें तो राम जिसके ईश्वर हैं या राम के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं, यानी कि कहने का तात्पर्य भगवान शिव के जो आराध्य हैं वो प्रभु श्री राम है और प्रभु श्री राम के जो आराध्य हैं वो भगवान शिव हैं। एक दूसरे को ये अपना इष्ट मानते हैं और ये पावन सौभाग्य है कि हमारे प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है और उसमें महादेव का सहयोग ना हो, महादेव की आहुति ना पड़े, ये कैसे संभव हो सकता है। बाबा महाकाल की सबसे प्रिय जो वस्तु है वो भस्म है और बाबा महाकाल ने वही भस्म अभी हमारे विहिप के समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण, कार्यकर्तागण आए हुए हैं अयोध्या से वो भस्म लेने के लिए। बाबा महाकाल की वो भस्म, दिव्य भस्म, उनको समर्पित की गई है। आगे भस्म जाएगी और उसके पश्चात